तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लीन फैंग अपने सभी साथियों के साथ मार्शल गॉड सिटी में आ चुका होता है। तभी एक मार्क्समैन वहां पर लीन फैंग को बुलाने के लिए आता है और अब वह लीन फैंग से बोलता है कि वल्केरी टेंपल के एल्डर्स तुमसे यहां पर मिलना चाहते हैं। और अब वह लीन फैंग के साथ सिनर और मास्टर टियान को लेकर अपने साथ जाने लगता है। तभी रास्ते में लीन फैंग को वल्केरी टेंपल के फाउंडर का स्टैचू दिखाई देता है और अब लीन फैंग जैसे ही उस स्टैचू को देखता है, उस स्टैचू के अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में सोल एनर्जी बाहर निकलकर लीन फैंग को वहां पर क्रश करने लगती है, जो देखकर लीन फैंग काफी ज्यादा डर जाता है। और अब लीन फैंग उस सोल एनर्जी के प्रेशर को वहां पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। उसी वक्त मास्टर टियान चिल्लाते हुए लीन फैंग को होश में लाते हैं। अब लीन फैंग हैरान होते हुए बोलता है, क्या मैं किसी इल्यूजन में फंस गया था? तभी साओबाई लीन फैंग को बताती है कि लीन फैंग के पास विल ऑफ वल्केरी है, जिस वजह से जैसे ही लीन फैंग वल्केरी टेम्पल के फाउंडर के स्टैचू के पास आया, उसके अंदर मौजूद विल ऑफ वल्केरी एक्टिवेट हो गई और इस स्टैचू के अंदर मौजूद सोल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगी, क्योंकि यह स्टैचू हजारों साल पहले गॉड्स के टाइम पर यहां पर बनाया गया होगा। इसी वजह से इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में सोल एनर्जी मौजूद है, पर तुम्हारी कल्टीवेशन अभी काफी ज्यादा कम है, इसी वजह से तुम इतनी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर नहीं संभाल सकते हो। वहीं खड़ा मार्क्समैन लीन फैंग को देखकर हैरान होता है और सोच रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर मुझे किसी पर्सन के पास विल ऑफ वल्केरी देखने को मिलेगा। अब वह लोग वहां से आगे बढ़ते हैं, तभी लीन फैंग की नजर दूसरे स्टैचू पर पड़ती है। अब मार्क्समैन उसे बताता है कि यह स्टैचू वल्केरी टेम्पल के पहले मास्टर सिंग चैंग फैंग का है। और अब वह मार्क्समैन लीन फैंग को लेकर वल्केरी टेंपल की ओर आगे जाने लगता है, जो देखकर लीन फैंग और मास्टर टियान को काफी अजीब लगता है। वहीं से थोड़ी दूरी पर खड़े जेंग क्वेन, जी चैन और ली सी फैंग यह सब कुछ देख रहे होते हैं और अब वह तीनों हंसते हुए बोलने लगते हैं, लीन फैंग फॉर्मेशन टेंपल के अंदर चला गया तो अभी यहाँ पर उसका मरना तय है। वहीं खड़ा ली सिंग फैंग बोल रहा होता है, तुम दोनों ने तो कहा था कि लीन फैंग बहुत ही ज्यादा चालाक है, पर वह मेरे बनाए गए इस ट्रैप में बड़ी ही आसानी से फंस गया। दूसरी ओर वह मार्क्समैन लीन फैंग के साथ फॉर्मेशन टेंपल के अंदर पहुंचता है और अब लीन फैंग वहां पर कुछ लोगों को खड़ा देखता है। तभी उसकी नजर मार्शल गॉड टेंपल के उस पर्सन पर पड़ती है, जिसे देखते ही वह परेशान हो जाता है। अब लीन फैंग को परेशान देखते ही मास्टर टियान बोलते हैं, क्या तुम इन लोगों को जानते हो? लीन फैंग बोलता है, मास्टर मैं इस बारे में आपको बाद में बताऊंगा, पर पहले हमें यहाँ पर संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि मुझे अब यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब वह मार्क्समैन वहाँ खड़े एक पर्सन से बोलता है, मास्टर मैं लीन फैंग को यहाँ पर ले आया। तभी वह पर्सन बोलता है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, जो सुनकर वह मार्क्समैन वहाँ से चला जाता है। अब वह पर्सन बोलता है, तो तुम ही लीन फैंग हो? तभी लीन फैंग आगे बढ़ते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है। वह पर्सन बोलता है, मैं यह देखकर सच में काफी ज्यादा हैरान हूँ कि तुमने इतनी कम एज में ही डीमन क्लोन्स को हराया है। लीन फैंग बोलता है, मास्टर मैं बस थोड़ा लकी था, इसी वजह से मैं उन डीमन्स को हरा पाया और मैं यहाँ पर वल्केरी सिटी में वल्केरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे यहाँ पर गॉड्स पूल में उतरने का परमिशन दो। तभी वहाँ खड़ा एक मार्क्समैन हंसते हुए बोलता है, तो तुम वल्केरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो? एक मिनट रुको, हम उस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हमें यहाँ पर उससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करना है। लीन फैंग बोलता है, तो क्या आप मुझे उस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में थोड़ा बता सकते हो, क्योंकि मुझे उसकी कोई भी जानकारी नहीं है। तभी वह पर्सन बोलता है, लीन फैंग हम बस यहाँ पर तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हम जानते हैं कि तुम्हें यहाँ पर यंगेस्ट हीरो की उपाधि दी गई है, क्योंकि तुमने कई बार कई डीमंस को हराकर लोगों की जान बचाई, पर जब तक तुम हमारे कुछ सवालों के जवाब नहीं दे देते, तब तक हम तुम्हें वल्केरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। और जैसा कि तुम जानते ही हो,
डीमंस यहाँ पर धीरे धीरे आजाद होना स्टार्ट हो चुके हैं, और तो और डीमन टेंपल के लोग कुछ दिनों पहले थंडर सिटी तक भी पहुँच गए थे। तो हम यहाँ पर कोई भी खतरा उठाना नहीं चाहते हैं। यह सुनते ही लिनफेंग बोलता है, तो आप यहाँ पर क्या कंफर्म करना चाहते हो? तभी वह पर्सन बोलता है, यह तुम्हारे बगल में तुम्हारी छोटी बहन सिनर खड़ी है। मुझे पता चला कि इसके पास डीमन ब्लड लाइन है। तो क्या यह बात सच है? लिनफेंग बोलता है, हाँ। वही वह सोच रहा होता है कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है। तभी वह पर्सन बोलता है, जब मेरे मार्शल गॉड टेंपल के लॉ एनफोर्समेंट के लोगों ने तुम्हारी सिस्टर को पकड़ने की कोशिश की, तब तुमने उन पर अटैक किया था। लिनफेंग बोलता है, आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मार्शल गॉड टेंपल का लॉ एनफोर्समेंट कभी भी मेरे पास नहीं आया। यह सुनते ही वह पर्सन अपने बगल में खड़े पर्सन को देखते हुए बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो कि टियानवो किंगडम में मार्शल गॉड टेंपल के लोग तुम्हारी सिस्टर को कैद करने के लिए नहीं गए थे, और तुमने उन सभी लोगों पर अटैक भी नहीं किया था? मेरे सामने झूठ मत बोलो। लिनफेंग बोलता है, मास्टर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने सिनर पर अटैक किया था वह लोग लॉ इन्फोर्समेंट के नहीं थे, और तो और आज तक सिनर ने यहाँ पर कोई भी क्राइम नहीं किया है, तो मार्शल गॉड टेंपल के लोग उसे इस तरह कैसे कैद कर सकते हैं? वह पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, सिनर के पास डीमन ब्लड लाइन है, और यह फ्यूचर में हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। लिनफेंग बोलता है, मेरे फादर ने एक बार मुझसे कहा था कि इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग मौजूद हैं जो तुम्हें मारकर तुमसे तुम्हारी मार्शल स्पिरिट को छीनने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर सिनर के पास पावरफुल मार्शल स्पिरिट है, इसीलिए मार्शल गॉड टेंपल के लोग सिनर को कैद करना चाहते हैं, और जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक सिनर को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और तो और सिनर पिंग टियान स्वॉर्ड किंग लिन साओ टियान की डॉटर है, तो तुम लोग हमें इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो। तभी वह पर्सन बोलता है, लिनफेंग मैं मानता हूँ कि तुम्हारे फादर बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन है, पर इसके बावजूद वल्केरी टेंपल के पास किसी डीमन को लाने का परमिशन तुम्हें किसने दिया? तभी लिनफेंग बोलता है, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, तुम लोगों को डीमंस या फिर डीमन ब्लड लाइन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग यहाँ पर बस सिनर से उसकी मार्शल स्पिरिट छीनना चाहते हो जिससे तुम्हारी पावर बढ़ सके। यह सुनते ही वहां खड़ा एक मार्क्समैन गुस्से में लिनफेंग पर अटैक कर देता है, पर लिनफेंग उसके अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। अब वह मार्क्समैन बोलता है, लिनफेंग यह मत भूलो कि तुम वल्केरी टेंपल में खड़े हो, और बिना हमारी परमिशन के तुम यहां से जिंदा वापस नहीं लौट सकते हो। तभी वहां खड़ा पर्सन उस मार्क्समैन को शांत करते हुए बोलता है, हम लोग बस यहां पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो फाइट को स्टार्ट मत करो। जो सुनकर वह मार्क्समैन वहां पर चुप हो जाता है, और अब वह बोलता है, लिनफेंग हम यहां पर फाइट करना नहीं चाहते हैं, तो तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो। लिनफेंग बोलता है, पहले तुम्हारा पर्सन मुझ पर अटैक करता है और फिर तुम बोलते हो कि तुम फाइट करना नहीं चाहते। यह सुनते ही वह मार्क्समैन बोलता है, लिनफेंग तुम्हारी जुबान सच में काफी ज्यादा चलती है। तभी लिनफेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, आज तक सिनर ने यहाँ पर किसी को भी हर्ट नहीं किया है, और तो और अभी यह इतनी ज्यादा पावरफुल है कि यह पूरे के पूरे वल्केरी टेंपल को डिस्ट्रॉय कर सकती है, पर इसके बावजूद यह ऐसा कुछ नहीं कर रही है क्योंकि यह ऐसा नहीं करना चाहती है। और मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि अगर फ्यूचर में सिनर ने कोई गलती की तो मैं खुद आप सभी लोगों के पास आ जाऊँगा, और फिर आप लोग जो चाहे वह पनिशमेंट मुझे दे सकते हो। अब यह सुनते ही वह पर्सन बात बदलते हुए बोलता है, हमने तुम्हें यहाँ पर सिनर के बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया है। लिनफेंग बोलता है, तो आखिर किस बारे में बात करना चाहते हो आप लोग? अब एक पर्सन आगे आते हुए बोलता है, लिनफेंग हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन से पता किया है कि 16 साल की एज में तुम्हारी फियांसे ने तुम्हें पॉइजन देकर तुमसे तुम्हारे मार्शल स्पिरिट को छीन लिया था, जिसके बाद तुम 2 महीनों तक अधमरी हालत में अपने घर पर पड़े हुए थे, पर फिर 2 महीने के बाद अचानक से ही तुम्हारे पास तुम्हारी मार्शल सोल वापस से आ गई, जिसके बाद तुम्हारी पावर लगातार बढ़ने लगी, और फिर तुम फॉरबिडन लैंड में गए, और तुम्हारे फॉरबिडन लैंड में जाते ही डीमन क्लोन मेलिंग वहां से आजाद हो गई,
और फिर धीरे धीरे तुम जिस भी जगह पर गए वहां पर मौजूद डीमन क्लोन्स अपने आप ही आजाद होने लगे। मैं यह नहीं कहना चाहता कि तुम एक डीमन सपोर्टर हो, पर मुझे भी यह जानना है कि जब तुम्हारी फियांसे ने तुमसे तुम्हारे मार्शल स्पिरिट को छीन लिया था तो आखिर एक नई और पावरफुल मार्शल स्पिरिट तुम्हें कहाँ से मिली। लिन फेंग बोलता है, यह एक प्राइवेट मैटर है जिस बारे में मैं आप सभी लोगों को नहीं बता सकता हूँ। तभी मार्क्समैन बोलता है, लिन फेंग तुम्हें यहाँ पर हमारे साथ कॉपरेट करना पड़ेगा वरना तुम प्रॉब्लम में आ सकते हो, हम तुम पर अटैक करना नहीं चाहते हैं। लिन फेंग बोलता है, तो आखिर तुम लोगों को क्या चाहिए। तभी वह पर्सन बोलता है, लिन फेंग हमें बस यहाँ पर दो चीजें चाहिए। पहली, आज तक तुमने जितने भी डीमन क्लोन्स के साथ फाइट किया है हमें उन सभी की इंफॉर्मेशन चाहिए, और दूसरी हम तुम्हारे सोल सी को यहाँ पर एग्जामिन करना चाहते हैं जिससे यह कंफर्म हो जाएगा कि तुम कोई डीमन सपोर्टर नहीं हो। यह सुनते ही लिन फेंग सोचने लगता है, फाइनली अब मुझे समझ में आ रहा है यह सभी लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हैं। और यहीं पर सीजन 2 खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर जल्द से जल्द सीजन 3 देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स कंप्लीट करो, और 10,000 लाइक कंप्लीट होते ही मैं सीजन 3 की भी वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। मुझे तुम लोगों पर यकीन है, तुम इस लाइक एम को भी जल्द से जल्द पूरा कर दोगे।